सुहाना सफर विद अनु कपूर में आज चर्चा हो रही है महान निर्देशक, ग्रेट जीनियस बिमल रॉय की। आइए बात करते हैं उनकी सबसे सफल फिल्म, कामयाब फिल्म मधुमती की। मधुमती का इस हमारे शो से बड़ा गहरा ताल्लुक है, क्या ताल्लुक है आप बता सकते हैं? सुहाना सफर और ये मौसम हसीन। मधुमती की कहानी पुनर्जन्म की कहानी थी, जिसे ऋत्विक घटक और राजेंद्र सिंह बेदी ने साथ लिखा था। दादा ऋत्विक घटक के बारे में श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहता हूं। मैं पर्सनली ऋत्विक दा को हमारे देश का एक महान, हमारे देश के जो महान निर्देशक हुए उनमें से एक मानता हूं, और बंगला फिल्मों में सर्वप्रथम नाम ही मैं ऋत्विक घटक का लिख के देता। ऋत्विक घटक दादा की अगर आप फिल्में देखेंगे, मेघाटा के तारा या अजाक्षत्र, क्या था, क्या बात है, क्या बात है। सत्यजीत रे का टर्न उनके बाद में आता है। तो ऋत्विक घटक ने भी ये फिल्म लिखी थी मधुमती। ये बिमल दा के साथ उनका पहला एसोसिएशन था और शायद आखिरी भी। इसी साल से फिल्म फेयर में बेस्ट सिंगर के अवार्ड को शामिल किया गया। तो फिल्म फेयर का बेस्ट सिंगर का पहला अवार्ड जो मिला है वो लता मंगेशकर को मिला है। मधुमती के लिए सलील चौधरी को भी बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर और बिमल दा को बेस्ट डायरेक्टर के फिल्म फेयर अवार्ड मिले। ये फिल्म बिमल रॉय के लिए तो जानी जाती है, पर साथ ही ये फिल्म अपने गीतों के लिए भी जानी जाती है। कमाल का म्यूजिक, एक एक गीत नगीना है, माइलस्टोन है। इस फिल्म का एक गीत था, याद कीजिए, असम का जो बिहू नृत्य होता है और उसकी जो कंपोजिशन होती है, उसकी जो स्वर लहरी है, उसकी जो धुनें होती हैं, उसके ऊपर आधारित था। वो बता सकते हैं कौन सा गीत? देखिए एक ही लाइन है लेकिन कितनी खूबसूरत। ए मंतर फेरूं, बैद बुलाऊं, मतलब एक एक गीत क्या खूबसूरत कंपोजिशन इस्तेमाल किए। मुझे लगता है कि ये वो फिल्म थी, ये वो गीत था जहां पर पूरा भारत असम के संगीत के ऊपर, असम के रंग में रंग गया। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं जीनत अमान और सलील चौधरी बर्थडे स्पेशल ऑन सुहाना सफर विद अनु कपूर।